स्टार्ट किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए। उत्पादन अधिक बढ़ जाने से मूल्यों के गिर जाने का भय रहता है। 1929 की विश्व मंदी का प्रभाव भारतीय किसानों पर भी बहुत बुरा पड़ा था। भारतीय किसान कर्जे के बोझ से बुरी तरह दब गया था। मूल्य स्तर का गिर जाना उत्पादक के लिए एक भारी अभिशाप है, क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा ही नष्ट हो जाती है और समस्त अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके विपरीत यदि कृषि पदार्थों का मूल्य स्तर बहुत अधिक ऊँचे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उपभोक्ताओं को कठिनाई अनुभव होने लगती है और देश में वेतन वृद्धि की मांग होने लगती है। दूसरी ओर कृषि पदार्थों के मूल्यों का प्रभाव बड़े उद्योग धंधों पर भी पड़ता है। यदि कपास का भाव बढ़ जाए तो कपड़े के मूल्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में सामान्य मूल्य स्तर पर कृषि के मूल्यों का गहरा प्रभाव होता है। समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता रहे। दूसरे शब्दों में कृषि पदार्थों के मूल्यों में कमी होना उत्पादकों के लिए तथा वृद्धि होना उपभोक्ताओं के हित के विरुद्ध है और सरकार को इस प्रकार की मूल्य नीति अपनाने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे प्रत्येक के हितों की रक्षा हो सके और देश का उत्पादन अधिकतम सीमा तक पहुंच सके। साथ ही साथ देश के प्रति व्यक्ति आय तक सामान्य रहन सहन का स्तर ऊंचा हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता रखना परम आवश्यक है। पैराग्राफ चेंज, भारत में कृषि एक व्यापारिक व्यवसाय ना होकर जीवन यापन का एक साधन है। भारतीय किसानों में व्यापारिक चेतना का अभाव है और वे केवल जीवित रहने के लिए खेती करते हैं। इसलिए कृषि पदार्थों के मूल्यों तथा उनके उत्पादन में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं रहता। मूल्य निर्धारण की मांग और पूर्ति का सिद्धांत कृषि पदार्थों पर अच्छी तरह लागू नहीं होता। यह उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है कि वह मूल्य नीति का संचालन इस प्रकार करे कि कृषि तथा उद्योगों का समुचित विकास हो सके और कृषि मूल्यों में स्थिरता बनी रहे। मूल्यों की स्थिरता का अर्थ केवल इतना है कि कृषि पदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव ना होने पावे। हमें ज्ञात है कि 1929 की विश्व मंदी के कारण भारतीय किसानों की कैसी दुर्दशा हो गई थी। दूसरी ओर हमारे महायुद्ध के दिनों में और उसके बाद मूल्यों में जो वृद्धि हुई उसका देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ा है। यद्यपि किसान को समुचित लाभ ही हुआ, किंतु देश के नियमित विकास के लिए ये दोनों दशाएं बाधा उत्पन्न करने वाली सिद्ध हुई हैं। पैराग्राफ चेंज, भारत में कृषि मूल्यों की स्थिरता का प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में मुख्य रूप से सरकार के सामने उपस्थित हुआ। जून 1954 तथा उसके बाद के काल में कृषि मूल्यों में निरंतर कमी होती गई। स्टॉप।